40 सेकंड का वो भाषण जिसमें दिखी पुराने नरेंद्र मोदी की झलक, वीडियो देखकर पूरे विपक्ष के छूट गए पसीने। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 240 सीटें हो या 400 सीटें, नहीं रुकेगा मोदी का तांडव। योगी के बाद अब पुराने अंदाज में नजर आए मोदी। भरे मंच से हिंदुओं को दे दिया लाउड एंड क्लियर मैसेज। जैसे ही आया कश्मीर और हरियाणा का एग्जिट पोल, मोदी ने कहा सुन लो हिंदुओं कान खोल। पहली बार मोदी ने योगी की बात दोहराई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपाइयों ने तालियां बजाई। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना पुराना रूप अख्तियार कर लिया है। अब मोदी भी योगी की तरह फ्रंट फुट पर खेलेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर एक बार फिर महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक ही रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। अब आप समझ तो गए होंगे कि पीएम मोदी यहाँ पर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक रहा है। कांग्रेस को पता है मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा। कांग्रेस चाहे उनके लिए करे या ना करे, मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देंगे। भले ही भाजपा उनके लिए कितना भी काम कर दे, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समाज बढ़ जाता है, वो कभी कांग्रेस को वोट देता है, कभी किसी और विपक्षी को वोट देता है, भाजपा के साथ एकजुट होकर नहीं रहता है। कि अगर बटेंगे तो वही हाल होगा। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक होकर रहना पड़ेगा। बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आपको याद होगा सीएम योगी ने तो और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सीएम योगी ने तो कहा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस का आज असली रंग खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस अब अर्बन नक्सल गैंग चला रही है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ाने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलता के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक ही रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसीलिए हमारी एकता को देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यानी कि अगर हिंदू बट जाएंगे तो कांग्रेस और मुसलमान मिलकर महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने तो हद ही कर रखी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने टॉयलेट टैक्स लगाया है। एक और मोदी कह रहे हैं कि टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं कि हम टॉयलेट पर टैक्स लगाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस यानी लूट और फरेब का पूरा पैकेज है। कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए। कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम आया है। उनके एक मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का एक नेता ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर जनता के शोषण का नया नया तरीका खोजती है। यानी कि पीएम मोदी यहां पर खुलकर और फ्रंट फुट पर कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में आप बताइए पीएम मोदी का ये रूप किस तरफ इशारा कर रहा है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।